हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक लगातार बैक टू बैक दो कंपनी का आईपीओ आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मंडे को आने वाला है हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ और वेनेसडे यानी 9 सितंबर को आने वाला है राउट मोबाइल का आईपीओ। तो दोस्तों, ये राउट मोबाइल कंपनी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन जानेंगे हम, और ये आईपीओ के बारे में भी टोटली डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ के ऊपर। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, पहले हम राउट मोबाइल के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी काम कैसे करता है। ये देखिए दोस्तों, नंबर वन एंटरप्राइज के ऊपर काम करते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स अ क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस टू एंटरप्राइज ओवर द टॉप प्लेयर्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर अराउंड द वर्ल्ड। ये ग्लोबली एक कंपनी है, पूरा वर्ल्ड में इसका बिजनेस है। सेकेंड जो काम करता है, मोबाइल ऑपरेटर सर्विस इन दिस सेगमेंट इंक्लूड SMS, एनालिटिक्स, फेयरवेल, फिल्टरिंग, मोनेटाइजेशन एंड CPaaS एंड हबिंग सोल्यूशन। और जो थर्ड इसका बिजनेस है, BPO का बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो दोस्तों, की फैक्टर जान लेते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, 600 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं इनका, 19 प्लस लोकेशन में ये काम करते हैं अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, पैसिफिक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका। टोटल ग्लोबली इसका चेन है ये कंपनी का, आप देख सकते हैं दोस्तों। लगभग 25,000 के आसपास क्लाइंट है, एक्टिव क्लाइंट, 5+ बिलियन मैसेज पर मंथ आता है, 31+ बिलियन बिलेबल ट्रांजेक्शन इस फैशियल ईयर 1920, 800 प्लस नेटवर्क ऑपरेटर, और यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो इसका स्ट्रेंथ है कंपनी का, वो क्या है हम जान लेंगे। दो मेन की फैक्टर होते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं जूम करूँगा। ये देखिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स, लीडिंग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म फॉर इजी कैंपेन शेड्यूलिंग एंड रिपोर्टिंग, इजी टू यूज़ द कंसोल टू प्लान डिप्लॉय एंड मॉनिटर कैंपेन, ग्लोबल एंड लोकल कस्टमाइजेशन एक्सपर्टीज। और जो लास्ट पॉइंट लिखा है, कंसोलिटिव एंड लीन अप्रोच फॉर बेटर कस्टमर एंगेजमेंट। तो दोस्तों, कंपनी बुरा नहीं है इस बार। अब कंपनी का फाइनेंशियल क्या कंडीशन है देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अपने सामने इसका अर्निंग का वो रखा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 का मार्च का है, 19 मार्च का है, 20 मार्च का है और रिसेंट क्वार्टर का है। टोटल एसेट देख सकते हैं दोस्तों, लगातार इसमें इंक्रीज़ हुआ है टोटल एसेट में। रेवेन्यू की बात करें तो इस बार जून के क्वार्टर में थोड़ा गिरावट आया, आप देख सकते हैं रेवेन्यू में। अदरवाइज कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ हुआ है, देख सकते हो। पहले 5,094 का, फिर 85323, उसके बाद 9681। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख सकते हैं दोस्तों, जून क्वार्टर को छोड़ के ये इस क्वार्टर में तो हर कोई कंपनी का या तो फ्लैट आया या तो गिरावट आया, बट इसके छोड़ के पहले भी बहुत अच्छा मतलब ग्रोथ दिखाई दे रहा है। पहले 466 करोड़, उसके बाद 545 करोड़, उसके बाद 691 करोड़। दोस्तों, कंपनी बुरा नहीं है। अब चलिए इसका आईपीओ के जो मेन डिटेल्स में आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, आईपीओ का डेट है 9 सितंबर टू 11 सितंबर, 3 दिन का आईपीओ होने वाला है, 9, 10 और 11। इशू साइज़ देख लेते हैं दोस्तों, लगभग 600 करोड़ का आईपीओ है। टोटल 600 करोड़ कंपनी यहां पे आईपीओ के थ्रू ले आने वाला है। इसमें से फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी फ्रेश इक्विटी शेयर ऐड कर रहा है लगभग 240 करोड़ का। और ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी अपने हिस्सेदारी से सेल कर रहा है 360 करोड़ का। फेस वैल्यू 10 रुपये फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, ये बहुत बढ़िया है। आईपीओ का जो प्राइस रहेगा, जो लोअर प्राइस रहेगा वो 345 एंड अपर प्राइस रहेगा 350 का। यहाँ पे मोस्टली लोग 350 का ही अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप आईपीओ अगर ज़्यादा इशू हो गया, मतलब ज़्यादा लोग अप्लाई किया, तो मोस्टली जिस पे ऊपर जो अपर प्राइस बैंड उसके ऊपर ही ये अलाउट होने का चांस ज़्यादा रहता है 350 पे। तो दोस्तों, मैं एक ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 350 पे ही अप्लाई करना। मार्केट लॉट 40 शेयर्स, मतलब एक लॉट में 40 शेयर्स है, मतलब आपको मिनिमम 40 शेयर्स को वहाँ पे
अप्लाई करना है 40 शेयर्स के लिए मिनिमम। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 40 शेयर्स, क्योंकि एक लॉट का साइज़ ही है 40 शेयर्स। लिस्टिंग एट BSE NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों जगह पे ही ये लिस्टिंग हो रहा है। बीट ऑफर ओपन देख सकते दोस्तों 9 सितंबर, बीट ऑफर क्लोज 11 सितंबर। फाइनेंशियल ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो मतलब अलॉटमेंट हुआ या नहीं आपको 16 सितंबर पता चलेगा। इनिटिएशन ऑफ रिफंड मतलब अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ स्टॉक मतलब शेयर IPO में अलॉट नहीं हुआ तो आपको 17 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा उसका पैसा जो आपने IPO के लिए वहाँ पे लगाया है वो आपको 17 सितंबर मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर डीमैट अकाउंट, क्रेडिट ऑफ शेयर ऑफ टू डीमैट अकाउंट मतलब वो अगर आपको अलॉटमेंट हो गया अप्लाई किया आपने IPO पे और आपको अलॉट हो गया तो वो शेयर 18 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट आप जिस भी ब्रोकरेज का ब्रोकर का ऐप यूज़ कर करते हैं वो डीमैट अकाउंट में आपका जो डीमैट अकाउंट है जिस पे आप ट्रेडिंग करते हैं वो उस शेयर 18 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शो करने लगेगा अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है। और IPO शेयर लिस्टिंग डेट 21 सितंबर मतलब मार्केट में 21 सितंबर को ये IPO लिस्टिंग होगा कि ये कंपनी का IPO। तो दोस्तों इसका अलॉट साइज़ देख लेते हैं जो मैंने बोला था एक लॉट 40 क्वांटिटी है शेयर्स और उसका प्राइस है 14,000 रुपीज़। और आप मैक्सिमम ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, एक रिटेल इन्वेस्टर मैक्सिमम 14 लॉट मतलब 560 शेयर अप्लाई कर सकता है उसका प्राइस आपको रहेगा मैक्सिमम 1,96,000 रुपीज़। उसके बाद IPO प्रोमोटर होल्डिंग एक बार देख लेते हैं। अभी जो प्रोमोटर का होल्डिंग है प्री ये देख सकते हो प्री इशू शेयर होल्डिंग अभी इशू होने के पहले 96% है, उनमें से पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग हो जाएगा 66.33%। मतलब प्रोमोटर ने लगभग 33% शेयर को IPO में लाया जा रहा है, बेच रहा है 33% शेयर को बेच रहा है। अब देखते हैं अलग अलग कैटेगरी में IPO लाया जा रहा है। QIB के पास 15% रिजर्व है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 15% रिजर्व है, 90 करोड़ शेयर लगभग यहाँ पे QIB के पास 300 करोड़ शेयर। और रिटेल इन्वेस्टर के आप देखिए दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर के बहुत बढ़िया दिया है, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे रखा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए पर्टिकुलरली 35% शेयर लगभग 210 करोड़, माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कुछ रिस्क फैक्टर भी लिखा हुआ है, ऑपरेट इन हाईली एवोल्यूशन मार्केट, ग्रेटर डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टीज मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशंस, रेवेन्यू डिपेंड ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट, रैली ऑन थर्ड पार्टीज टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोवाइड सर्विस एंड सोल्यूशन, इधर कुछ बाकी सोल्यूशन एंड क्लाइंट, द रिस्क फ्रॉम पोटेंशियल क्लेम रिजल्टिंग फ्रॉम क्लाइंट्स मिस यूज ऑफ इट्स प्लेटफॉर्म टू सेंड अनऑथोराइज्ड टेक्स्ट मैसेज इन वायलेशन ऑफ ट्राई रेगुलेशन। तो कुछ कुछ रिस्क फैक्टर भी है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी आपके साथ मैंने कम्प्लीटली डिटेल में डिस्कस किया IPO के बारे में। अब पैसा आपका है दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ मैं राय नहीं दूंगा कि आप IPO में अलॉट मतलब IPO में अप्लाई करें या ना करें, बट मैं इस IPO में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ ये मैं आपको बोल सकता हूँ। बट कंपनी बुरा नहीं है, आपको कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिल जाएगा इतना मैं बोल सकता हूँ कि ये जब लिस्ट होगा डिस्काउंट में एटलीस्ट लिस्ट नहीं होगा क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, अच्छा कंपनी है। तो दोस्तों आपका फैसला आपका पैसा, तो मैं यही बोलूँगा और कुछ नहीं। चलिए दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और इस तरह की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।